नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी ई कल्याण के द्वारा मैट्रिक या फिर इंटर से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा है और आप इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आप लोगों को छात्रवृत्ति का पैसा कब आएगा, तो हम आपको बता दें कि उन सभी के खाते में छात्रवृत्ति का पैसा यहाँ पर जो है भेज दिया गया है और उन सभी का एक लिस्ट जारी कर दिया गया है कि किनके किनके खाते में यहाँ पर जो है पेमेंट को भेजा गया है। लिस्ट को कैसे निकाल करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से, कि आपके खाते में गया है या फिर नहीं गया है। वीडियो के एंड तक बने रहे, हम आपको पूरी डिटेल के साथ, आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहां पर ई कल्याण की ऑफिशियली वेबसाइट पर आएंगे। इस तरीके से यहां पर खुल करके आ जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके आ सकते हैं। यहां पर देखिए ग्रेजुएशन वालों का लिंक दिया हुआ है और यहां पर इंटर वालों का लिंक यहां पर देख पा रहे कि दिया गया है। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहां पर आपको मैट्रिक वालों का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर हम आपको इंटर वालों का दिखाते हैं। तो यहां पर देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्लस टू, ये देख पा रहे कि जिन्होंने 2020 में ऑनलाइन फॉर्म भरा था। तो इस तरीके से लिंक वन लिंक टू दिया हुआ, आप किसी भी लिंक पर आप यहां पर क्लिक कर देंगे। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर चेक करने के लिए कि आपके खाते में गया है या फिर नहीं गया है, तो आप यहां पर देखिए वेरीफाई नेम एंड अकाउंट डिटेल वाला ऑप्शन मिलता है, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई नेम एंड अकाउंट डिटेल वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने पेज लोडिंग लेगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर जब सिलेक्ट कर लेंगे, तो चलिए यहाँ पर हमें एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उनके बाद नीचे आएंगे, आपका जो भी कॉलेज होगा, जिस कॉलेज से आप पढ़ते हैं, अपने कॉलेज को यहाँ पर जब सिलेक्ट कर लेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम एक कॉलेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उनके बाद यहाँ पर व्यू वाला ऑप्शन मिलता है, इस व्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने उस कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका पूरा लिस्ट खुल करके आ जाएगा कि किनको किनको यहाँ पर जो छात्रवृत्ति का पैसा यहाँ पर भेजा गया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिस्ट यहाँ पर देखिए हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर नेम देखने को मिलेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ आप यहाँ पर मिला सकते हैं, अपने आधार कार्ड का यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट मिलाएंगे, अकाउंट नंबर मिलाएंगे। आपने यहाँ पर देखिए इन स्टूडेंट यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरा था इसलिए यहाँ पर सबमिटेड बता रहा है, और बैंक अकाउंट स्टेटस, तो यहाँ पर देखिए पेमेंट डन देखने को मिल पा रहा है, मतलब यानी कि इनके खाते में यहाँ पर जो पेमेंट जा चुका है यहाँ पर देखिए पेमेंट डन बता रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिस्ट निकाल करके देख सकते हैं और यहाँ पर किन्हीं किन्हीं का भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर बता रहा है सबमिटेड इन प्रोसेस फॉर बैंक वेरिफिकेशन। तो इस टाइप से अगर आपका दिखता है तो आप यहां बिल्कुल भी ना घबराए, हो सकता है आपको कुछ दिनों के बाद आपके खाते में चले जाए। तो यहां पर अभी बैंक प्रोसेसिंग ले रहा है तो आपको भी यहां पर पेमेंट डन देखने को मिल जाएगा और आपके अकाउंट में यहां पर जब पेमेंट चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर जब पूरा लिस्ट आप यहां पर एक बार निकाल करके देख लीजिए कि आपके अकाउंट में पैसे गए हैं या फिर नहीं गए हैं। अगर आपको यहां पर छात्रवृत्ति का पैसा मिल चुका है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रकार जब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक वालों का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप मैट्रिक वाला चेक करने के लिए यहाँ पर मैट्रिक वाले लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इसी तरीके से पेज लोडिंग लेगा और यहाँ पर भी आपको वेरीफाई नेम एंड अकाउंट डिटेल वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। उनके बाद जिस कॉलेज में आप पढ़ते या फिर जिस कॉलेज में आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी आपका कॉलेज होगा आप अपने कॉलेज को यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। व्यू वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर जैसे क्लिक करेंगे आपके कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सभी स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, आप यहां पर आसानी से चेक करके मिला लेंगे कि किन-किन लोगों का यहां पर जो पेमेंट रिसीव हुआ है। तो अब यहां पर मैट्रिक वालों का अगर आप लिस्ट निकाल करके देखेंगे तो उनका भी यहां पर देखिए बैंक अकाउंट स्टेटस सबमिटेड एंड इन प्रोसीड फॉर बैंक वेरिफिकेशन बता रहा है। तो यहां पर हो सकता है आपको कुछ दिनों का टाइम लग सकता है, तो आप लोग यहां पर कुछ दिन तक वेट कर लीजिए, आप लोगों को भी यहां पर जो पेमेंट रिसीव हो जाएगा। जबकि यहां पर बहुत लोगों को यहां पर जो मैट्रिक वालों का पेमेंट यहां पर रिसीव भी हो चुका है और यहां पर उनका बैंक वेरिफिकेशन यहां पर बता रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको यहां पर देखने को मिल पा रहा है तो आप यहां पर कुछ दिन तक वेट कर लें, क्योंकि यहां पर इंटर वालों का पेमेंट जाना शुरू हो चुका है, तो जल्द यहां पर मैट्रिक वालों को भी अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। सो इस तरीके से आप लोगों को अपडेट देना था। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर मेरा छात्रवृत्ति का पैसा कब आएगा। तो इस तरीके से यहां पर जो लिस्ट जारी हो चुका है, आप लोग जल्दी से लिस्ट में अपना नाम देखिए, अगर आपको यहां पर पेमेंट रिसीव हो